ठीक हूँ तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैं कैसे रेडी हूँ और कितना प्यार हेयर है स्टाइल बनाए है, और ये मेकअप को भी गौर कर रहे होंगे जी हाँ तो आज की वीडियो है मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ इससे पहले हमने कौन सा मेकअप करना है ठीक है सो so, आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ मैंने कैसे किया मेकअप और इस मेकअप में मैंने क्या क्या यूज़ किया है ठीक है तो गाइस आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है वीडियो का कर एंजॉय करना है और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो करें और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को सिखाते हैं कि मेकअप कैसे करते हैं सो so, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने स्किन केयर कर लिए ठीक है थीके? और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रामिज का मैजिक बीबी क्रीम सो so, ये है सन में भी यूज़ हो सकता है इसमें तो मैं ये यूज़ करती हूँ डेली ठीक है और ये आप लोग कहीं से भी पे कर सकते हो तो ये मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे लगा दूँगी जैसे आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ और इस पब से मैं इसको अच्छे से गाइस ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है तो कहीं कहीं से ये रहना चाहे इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और ये साथ मेरा मिरर था तो मैं उसको देख देख के आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है और ये बहुत फेस को मतलब सॉफ्ट रखता है और ज़्यादा फेस से ना उतरता नहीं है तो जा, मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ डेली लाइफ पे तो ये फ़ाउंडेशन मेरा अच्छा है जिनके फेस का कलर थोड़ा वो काला भी होना तो ये फेस पे बिल्कुल अच्छे से वो हो जाता है फिट सो ये फ़ाउंडेशन जिन जिन्होंने लेना है तो वो नीचे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नाम लिख दूँगी सो आप वहाँ पर इससे कहीं से भी पिक कर सकते हो तो मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पर ब्लैन कर दिया है तो ये यहाँ पे एयर का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ ठीक है और ये भी मैंने ऑर्डर करवाया था ये तो नेट से सो मैं इसको जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है जहाँ मेरे फेस पे ऑयलिंग हो रही है तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे से अपने चीज पे और लगा रही हूँ ठीक है और ये पाउडर का इस बहुत अच्छा है सो आप लोग ये पाउडर यूज़ करें बहुत ही अच्छा है फ़ेस के लिए सो so, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये इसका नाम लिख दूँगी तो आप कैसे भी इसको पिक कर सकते हो तो मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पर लगा दिया है और ये ब्लशर है ये ब्लशर का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये कैसे लिया था मुझे याद नहीं है और इस पर नहीं लिखा तो फ़िलहाल मैं ये लगा रही हूँ आपके पास कोई भी ब्लशर हो आप वो यूज़ कर सकती हो सो so, मैं ये पिंक कलर में मेरे पास है तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा दूँगी ठीक है ब्रश से और ये ब्रश भी बहुत ही अच्छा था तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस ये आ, आकुआ कलर पार्लेट सो so, ये मुझे गिफ्ट मिला था तो मुझे इसका सही नाम नहीं पता तो ये फ़िलहाल इसमें से मैंने ये कलर लिया है और मैं इसको अच्छे से अपने आइस पे ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है ब्रश के हेल्प से सो so, मैंने ये फ़िलहाल ये एक कलर बेस की तरफ से लगा दिया है पहले आँखों में मैं ये एक कलर लगा देती हूँ बेस कलर में उसके बाद फिर जो मुझे कलर लगाना होता है ना फिर मैं वो लगाती हूँ तो इस दफ़ा मैं हल्का सा पिंक और ये कलर मिक्स करके फिर से मैं अपने आइस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ ठीक है तो मैं लाइट सा कलर यूज़ करती हूँ ज़्यादा डार्क नहीं सो मैं ये दो कलर है मेरे फेवरेट हैं और ये पिंक कलर था मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्रश पे ये पिंक कलर है तो सो इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने दूसरे आइज पे ठीक है और ये दोनों कलर मैंने सेम ही यूज़ किए हैं ठीक है दोनों आइज़ पे सेम ही कलर मैंने अप्लाई किया है सो इसको अच्छे से मैंने ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दिया है और आप ज़्यादा हो तो ब्लेंड किया कीजिए क्योंकि हम लोग और शेडो लेते हैं फिर ब्लेंड करो फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है एक दफ़ा लेके ना फिर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए उसके बाद मैं ब्यूर का यूज़ कर रही हूँ आपके पास ब्यूर तो होगा ही कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग ठीक है उसके बाद मैं मस्कारा का यूज़ कर रही हूँ और ये कोरिया का है इसका नाम है दे छोरी पप्पुर पोने लिखो व्हाइट मस्कारा तो इसका नाम मैं लिख दूँगी तो जो कोरिया में रहती हैं गर्ल्स वो कोरिया से ये कहीं से भी आप लोग ले सकते हो उसके शॉप से ठीक है तो मैं इसको अच्छे से अपने आ, आई लाश पर लगा रही हूँ आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकती हो सो मैं फिलहाल ब्लैक में है ये मस्कारा तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट है तो मैंने इसको अच्छे से अपने लगा दिया आइस पे उसके बाद ये भी कोरिया का ही आई है सो मैं आई भी आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो तो इसका भी मैं नाम लिख दूँगी फ़िलहाल और ये मैंने अच्छे से ये लाइन निकाल ली है अपनी आइस की तो मैं इस दफ़ा थोड़ा मोटा सा लगा रही हूँ वरना मैं बहुत पतला सा लगाती हूँ पर मैंने सोचा चलो थोड़ा इस दफ़ा थोड़ा मोटा सा लगाएं लाइन सो मैंने दोनों आइस पे अच्छे से दो लाइन बना रही हूँ मैं तो ये कभी कभी मोट के हिसाब से अलग ही होता है कभी मेरा दिल करते हैं छोटी सी लाइन निकालूं कभी मन करता है बड़ी लाइन लगाऊं सो आज मोट था ज़रा लंबा थोड़ा लंबी लाइन लगाऊँ सो मेरे इसलिए थोड़ी सी मोटी लाइन लगाई अपनी आँखों पर ठीक है उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिपस्टिक और इसका नाम है लोमेन लोमैन छोमैथी लिपस्टिक और टू ये भी कोरिया का ही है ये भी मैं आप लोगों को क्या कहते हैं बता दूँगी सारा कुछ इसके भी प्राइस वगैरह लेकिन इसकी प्राइस मेरे ख्याल आई डोंट नो कितनी है पर सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगी सो इसको भी अच्छे से मैं अपनी लिप पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ हाथों से ठीक है सो ये मेरा सिंपल सा लुक था गाइस और मैं हो गई यहाँ पर रेडी सो माई फाइनल लुक तो कैसी लग रही होगा इसे मुझे बताए मैंने अपनी ये बाल बांध रही ठीक है डिज़ाइन और ये मेकअप किया है और मैं अच्छे से रेडी होके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहे हैं कि आप लोग दावत पर जाओ या कहीं अब तो फ्रेंड्स के घर जाओ कि मज़े करने जाओ तो ऐसे लुक तो बनता ही है तो मेरे बहुत दिन के बाद अपने न्यू सूट निकाल के और अच्छे से फुल मेकअप करके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो कैसे आज के आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मी माई इंस्टाग्राम पेज और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो तो अब मिलेंगे कैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक अल्लाह हाफिज बाय बाय